नमस्ते दोस्तों, मीनू के ऑर्गेनिक वेजिटेबल गार्डन जो कि छत पर बना हुआ है, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो टाइटल पढ़ कर के आप लोग आश्चर्यचकित हो गए होंगे कि मैं अब सब्जियों के बीज नहीं लगाऊंगी, गार्डनिंग नहीं करूंगी। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, क्योंकि देखिए जितने भी सब्जियों के बीज मेरे नहीं जर्मिनेट हुए थे तो मैं फिर से मार्केट से बीज मंगा करके लगा रही हूँ। और इसी तरह से पौधे या बीज कभी कभी होता है कि हम लगाते हैं और बीज जर्मिनेट नहीं होता या पौधे लगते नहीं, मर जाते हैं। तो ये प्रकृति है, क्योंकि प्रकृति के अनुसार ही होता है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है सबके साथ। तो ये देख करके आप हार न माने, होपलेस न हों। आप यदि नए हैं और सब्जियां या पौधे पाट या ग्रो बैग में लगा रहे हैं और आपके साथ भी इसी तरह से हो जाता है, कभी सब्जियों के बीज जर्मिनेट नहीं होते या कोई पौधा ख़राब हो जाता है आप लगाते हैं पाट या ग्रो बैग में, तो आप सोचते हैं कि अब हम गार्डनिंग नहीं करेंगे, प्लांटेशन नहीं करेंगे, पौधा नहीं लगाएंगे या सब्जियां नहीं लगाएंगे छत पर, ग्रो बैग या पाट में। क्योंकि जब हम लगाते हैं तो सब्जियों के बीज जर्मिनेट ही नहीं होते, पौधा ग्रोथ ही नहीं करता, ख़राब हो जाता है, मर जाता है। तो ये इतना सोच करके आप गार्डनिंग करना छोड़ देते हैं। तो ऐसा ना करें, ये वीडियो इसीलिए है क्योंकि ऐसा सबके साथ होता है, 100% किसी का भी सारा बीज जर्मिनेट नहीं होता और ना ही कभी कभी किसी कमी के कारण पौधे भी ख़राब हो जाते हैं, सब्जियों के या किसी भी चीज़ के पौधे जब हम पाट या ग्रो बैग में लगाते हैं। क्योंकि जो चीज़ ज़मीन में होने वाली होती है उसे जब हम स्पेशल तरीके से पाट या ग्रो बैग में और छत पर लगाते हैं तो थोड़ा सा उसका केयर करना भी अलग टाइप का होता है और पौधे जो होते हैं वो भी कभी कभी हमारे ख़राब होने लगते हैं। तो ये सोच करके कि नहीं लगते या जर्मिनेट नहीं होते तो गार्डनिंग छोड़िएगा नहीं। एक बार बीज नहीं जर्मिनेट हुआ दोबारा लगाएं, दोबारा नहीं हुआ तिबारा लगाएं, लगाते रहे, कभी ना कभी तो सफलता ज़रूर से मिलेगी। और आप भी मेरी तरह से ढेर सारी सब्जियां लगा करके ऑर्गेनिक एकदम शुद्ध खा सकते हैं। तो जैसे जैसे मैं अपने छत पर सब्जियां लगा रही हूँ, केयर कर रही हूँ, सारा वीडियो अपलोड करती जा रही हूँ, आप देखते रहें। और आप भी इसी तरीके से पाट या ग्रो बैग में सब्जियां लगा करके खा सकते हैं और बहुत ही इजी होता है। मैं एकदम फ्री गार्डनिंग करती हूँ क्योंकि घरेलू चीज़ों का ही इस्तेमाल करती हूँ मैं, मार्केट से बहुत कम चीज़ लाती हूँ। तो आप भी ये सारी वीडियो देखते रहिए, लगातार बने रहिए चैनल पर, और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बात हो गार्डन संबंधित तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट द्वारा। मैं कोशिश करूंगी कि आपके परेशानी का हल मैं वीडियो के द्वारा हल कर सकूं। तो इस तरह से दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और आपका भी बीज जर्मिनेट नहीं हुआ होगा तो ज़रूर से दोबारा जर्मिनेट करने के लिए बीज डाल दीजिए, क्योंकि बरसात वाली सब्जियां जुलाई से लेकर के सितंबर तक हम लगा सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और थोड़ा सा भी यूजफुल हो तो निवेदन है आपसे कि वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट करिए, मुझसे जुड़िए और ढेर सारा पौधा लगाइए, सब्जियां लगाइए, ऑर्गेनिक सब्जियां खाइए, शुद्ध एकदम देसी अपने हाथों से सब्जियां लगाइए और तोड़ करके अपने किचन में बना करके अपने खाइए, अपने परिवार को खिलाइए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, गार्डनिंग करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।